गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका निर्णय एकेडमी में और उसके ऑनलाइन चैनल पे। मैं एम एस शहजाद आपको आज लेक्चर 27 में पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो है उसका अगला टॉपिक कंजक्शन, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में प्रीपोजिशन की जो वीडियो बनी उसमें मैं आपको बताया था कि टेट और एस्टेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और टॉपिक वाइज आपको कैसे रिवाइज़ कराना है और उसमें टॉपिक वाइज आपको किन रूल्स में ज़्यादा ध्यान देना है, किन रूल्स पे कम ध्यान देना है, ये भी आपको उसमें समझना था। आज लेक्चर 27 में मैं आपको कंजक्शन की जो वीडियो है इसको भी काफ़ी टेट और एस्टेट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो कंजक्शन में सबसे पहले जानना हमको क्या होता है कि कंजक्शन किसे कहते हैं, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसी स्पीच जिसमें ये नाउन से लेके कंजक्शन इंटरजेक्शन तक के पार्ट होते हैं उसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन एक पार्ट होता है, कंजक्शन जिसका जो मिलके बनता है टू कंज्वाइन से, कंजक्शन जो मिलके बनता है टू कंज्वाइन से, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मिलाना, ठीक, टू कंबाइन, टू कंज्वाइन या टू कंबाइन, किसी दो चीज़ों को मिलाना, यानी द वर्ड दैट कंबाइन आर कंज्वाइन टू लेटर्स, टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेज, टू क्लॉजेज, टू फ्रेजेज इज कॉल्ड कंजक्शन। तो कंजक्शन किसे कहेंगे हम, जो दो अक्षरों को जोड़े या दो शब्दों को जोड़े या फिर दो वाक्यों को जोड़े या फिर दो वाक्यांशों को जोड़े या फिर दो उपवाक्यों को जोड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे वर्डों को हम क्या कहेंगे, कंजक्शन। तो कंजक्शन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप जो है इसमें कई तरह के कंजक्शन पाए जाते हैं, जैसे कंजक्शन मीन्स हो गया जोड़ना, एक क्लॉज हो गई उसकी दूसरी क्लॉज को जोड़ देना, बीच में जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो कंजक्शन होता है, जैसे ए एंड आई आर वॉवेल्स। ए और आई क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। यहाँ पे जो एंड है आपने देखा दो लेटर को जोड़े हुए हैं, एंड क्या जोड़े हुए हैं, दो लेटर को, ए एंड आई आर वॉवेल्स, एंड क्या हो गया आपका, कंजक्शन। तो कंजक्शन वो वर्ड होता है जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो तो क्या करे, दो लेटर को या फिर दो वर्ड, फॉर एग्जाम्पल जैसे मर्सी एंड पेशेंस, मर्सी एंड पेशेंस, तो मर्सी और पेशेंस को जैसे जोड़े आर अब्सेक्ट नाउन, तो मर्सी और पेशेंस क्या होते हैं, भाववाचक होते हैं। अब इसमें मर्सी और पेशेंस दो वर्ड को एंड कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, ये क्या हो गया आपका, कंजक्शन। तो जो वर्ड जो शब्द दो अक्षरों यानी दो लेटर, दो शब्दों यानी दो वर्ड, दो वाक्यों यानी दो सेंटेंसेस और दो वाक्यांशों यानी दो फ्रेजेस और दो उपवाक्यों यानी क्लॉजेस को जोड़े, उसे हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन। जैसे ही वर्क्स हार्ड बट ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया, तो बट जो वहाँ पे जोड़ रहा है बट या एट, वो कंजक्शन बनाई है कंज्वाइन से, माने किसी चीज़ को मिलाना, किसी चीज़ को जोड़ना, वो क्या होता है आपका, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में क्या हम पढ़ रहे हैं, अब उसको पढ़ेंगे हम क्या, कि जब दो वर्डों, दो लेटरों, दो फ्रेजों, दो क्लाजों या दो उपवाक्यों को जोड़े कोई भी वर्ड, जो वर्ड उनको जोड़ता है उसी को क्या कहते हैं हम, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको एग्जाम के पर्पज से बताए जा रहे हैं कि ये रूल्स जो है आपको एग्जाम में कैसे कैसे उपयोगी होंगे, कैसे यूजफुल होंगे। आप देखिए इसमें सबसे पहला कुछ कंजक्शन की जानकारी हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा कंजक्शन कहते किसे हैं, अब कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं और कंजक्शन का इस्तेमाल क्या क्या होता है। तो आप देखिए पहले टाइप में क्या है, व्हेन एंड व्हाइल, और व्हेन एंड व्हाइल में अब आप देखिए व्हेन माने होता है व्हाइल, व्हेन माने जब, व्हाइल माने जबकि। अब आप देखिए व्हेन और व्हाइल का इस्तेमाल कब होगा, व्हेन और व्हाइल दोनों का इस्तेमाल पहली बात होता है समय बताने के लिए, दोनों का इस्तेमाल बहुत आर क्या होता है, दोनों का टाइम बताने के लिए, समय बताने के लिए दोनों का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब कंडीशन क्या है, जब किसी एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो तो हम इस्तेमाल किसका करेंगे, व्हेन का, ठीक। जब एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य तुरंत स्टार्ट हो जाए तो उसे हम वहाँ क्या, किस कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे, व्हेन का। लेकिन जब एक कार्य के समाप्त होने से पहले यानी वो कार समाप्त भी ना हुआ हो और उसी दौरान दूसरा कार स्टार्ट हो गया तब हम इस्तेमाल करेंगे किसका, व्हाइल का। तो यानी व्हेन और व्हाइल में दोनों में क्या है, हम किसके लिए यूज़ करेंगे, समय के लिए, समय बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, ठीक।
व्हेन का इस्तेमाल कब करेंगे? जब एक कार्य के समाप्त होने के बाद तब दूसरा कार्य स्टार्ट हो। और व्हाइल का इस्तेमाल कब करेंगे? जब एक कार्य समाप्त भी ना हुआ हो, उसी दौरान दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? व्हाइल का। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं, व्हेन वी रीच देयर, जैसे हम वहाँ पहुँचे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन वी रीच देयर, जैसे हम वहाँ पहुँचे, यानी हमारा वहाँ पहुँचना हो गया, द ट्रेन हैड गॉन, तब ट्रेन क्या हुआ? चली गई। एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हुआ, मतलब जब हम वहाँ पहुँचे तभी जाने की क्या हुआ? ट्रेन चली गई। तो जब ट्रेन चली गई, कब हम जाने? जब वहाँ पहुँचे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कार्य का संपादन हो रहा है, एक कार्य समाप्त हो जा रहा है, उसके बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो जा रहा है। और व्हाइल वाले केस में क्या है? व्हाइल ही वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री, अ स्नेक बिट हिम। व्हाइल में आपने देखा, व्हाइल ही वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री, जब वो पेड़ के नीचे सो रहा था, जिस दौरान वो पेड़ के नीचे सो रहा था, व्हाइल का मतलब जबकि, मतलब जिस दौरान जब वह पेड़ के नीचे सो रहा था, स्नेक बिट हिम, एक सांप ने उसे काट लिया। तो अभी देख रहे हैं, वो सो रहा है, स्लीपिंग, वो सो ही रहा है, तभी उसे क्या हुआ? एक सांप ने काट लिया। तो आपने देखा, जब एक कार्य के, मतलब उसका सोना भी पूरा नहीं हुआ है, जब वो सो के उड़ जाता तो उसका सोना पूरा हो जाता, सोना भी पूरा हुआ नहीं है, सांप ने उसे काट लिया। मतलब क्या हुआ? व्हेन का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब एक कार्य के समाप्त होने के पश्चात दूसरा कार्य स्टार्ट हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे इसका, व्हेन का। जब एक कार्य के समाप्त होने से पहले ही, यानी एक कार्य क्या हो, शुरुआत ही हुआ हो या ख़त्म ना हुआ हो, तभी दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? व्हाइल का। तो हम दोनों के लिए, दोनों को पहली बार समय के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये था आपका व्हेन और व्हाइल। अगले कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शन पे आते हैं। कोरिलेटिव मतलब जो जोड़ने वाले हों, कोरिलेट हो, अपने साथ एक सहयोगी रखते हों, उनको कहते हैं कोरिलेटिव। रिलेशन मतलब क्या होता है? संबंधी। कोरिलेटिव उनके साथ का संबंधी। तो कोरिलेटिव क्या होगा? कोरिलेटिव कंजक्शन मीन्स होता है कंज्वाइन करने वाला, जोड़ने वाला शब्द। कैसे शब्द? कोरिलेटिव टाइप के, जैसे आइदर आर या इधर आर, नीदर नॉर, या फिर लेस्ट के साथ शुड लगता है। देखिए, लेस्ट के साथ शुड है, एज मच के साथ एज है, और यहाँ पे नॉट ओनली के साथ बट आल्सो है, नो सूनर के साथ देन है, हार्डली के साथ वेन है, ऑल्दो के साथ एट है, बोथ के साथ एंड है, ऐसे स्कार्सली के साथ बिफोर होता है, और कुछ कंजक्शन इसमें आते हैं जिसको कोरिलेटिव कंजक्शन कहा जाता है। अब आप देखिए क्या होता है, आइदर के साथ, ये आपके कोरिलेटिव कंजक्शन जो है, इसको आप याद भी कर लीजिए। आइदर के साथ क्या लगता है? या इधर, इधर के साथ, इधर भी इसको प्रोनाउंस करते, कहते हैं हम आइदर, आइदर जनरली कह देते हैं। इधर के साथ क्या लगता है? और नीदर के साथ क्या लगता है? नॉर। लेस्ट के साथ क्या लगता है? शुड। और एज मच के साथ क्या लगेगा? एज। नॉट ओनली के साथ क्या लगेगा? बट आल्सो। नो सूनर के साथ क्या लगेगा? देन। हार्डली के साथ क्या लगेगा? व्हेन। ऑल्दो के साथ क्या लगेगा? एट। और बोथ के साथ एंड। मतलब इनका कोरिलेशन है, अगर ये रहेंगे तो ये रहेंगे, अगर इन ये रहेंगे तो ये रहेंगे, इनका कोरिलेशन है, ठीक, इनका कोरिलेशन है। इसमें आइदर और नाइदर एक ऐसे वर्ड हैं, ऐसा नहीं कि इन शब्दों का अलग अलग इस्तेमाल नहीं होता, अलग अलग भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जब कोरिलेटिव, जब जोड़ने वाली बात आएगी, तो जोड़ने वाले जब ये कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल होंगे और कोरिलेटिव के रूप में इस्तेमाल होंगे, तो आइदर के साथ मोस्टली यानी मस्ट है और ही आएगा, नाइदर के साथ क्या आएगा? नॉर आएगा, लेस्ट के साथ शुड आएगा, एज मच के साथ एज आएगा, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आएगा, नो सूनर के साथ देन आएगा, हार्डली के साथ वेन आएगा, और ऑल्दो के साथ एट, बोथ के साथ एंड। ये कुछ कोरिलेटिव कंजक्शन थे जो आपको मैंने बताया। अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, तो अगर इसमें से जैसे इधर और नीदर है, अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम करें, मतलब इधर हैज़ डन दिस वर्क, यानी इस काम को किसी ने या तो किया हो या तो नहीं किया हो, मतलब पता नहीं किसी ने इस काम को किया है या नहीं किया है। आइदर हैज़ डन दिस वर्क, किसी ने इस काम को किया होगा, तो डन दिस वर्क, किसी ने इस काम को किया, कंप्लीट किया, क्या हुआ? यहाँ पे इधर लगा हुआ है। अब देखिए इधर में क्या है, वो जो सब्जेक्ट होगा वो इधर में है, तो इधर लगा हुआ है, मतलब क्या है, ये इधर में वही लोग हैं जो इस कार्य को कंप्लीट किए हुए हैं। तो इधर का उपयोग जब भी एडजेक्टिव के रूप में होगा कोरिलेटिव कंजक्शन के जरिए, कोरिलेटिव तो ये हो गए,
लेकिन जब इधर नीधर इनका प्रयोग एडजेक्टिव की भांति होगा तब ये कंजक्शन क्या होंगे, आप देखिए उसी मतलब ये एक से ज़्यादा के लिए, मोस्टली ये क्या है दो के लिए इस्तेमाल होंगे, ये कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं दो के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब ये एडजेक्टिव की तरह बात इस्तेमाल किए जाएंगे, जब एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किए जाएंगे तो दो से ज़्यादा के लिए भी प्रयोग किया। अब हम कह दें किसी ने भी इस कार को किया नहीं, तो किसी ने भी कई आदमी आ गए, मान लो चार पाँच हो, छः हो, दस हो, सबको हम कह दें किसी ने ये कार किया ना हो, या दस में से ये कह दें पता नहीं इसमें से किसी ने किया हो या नहीं किया हो, तो वहाँ इधर और इधर का प्रयोग हो सकता है। और वहाँ पर जब एडजेक्टिव की तरह हो तभी हम क्या करेंगे, दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल इसका करेंगे, अन्यथा इसका इस्तेमाल सिर्फ दो के लिए होता है, जिसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। और अब आप तीसरे पे, जैसे ही नीदर केम नॉर इन्वाइटेड मी, इस रूल में क्या है, रूल नंबर थर्ड में आप देखिए इसमें क्या है कि जब भी नीदर नॉर यानी जिस कोरिलेटिव कंजक्शन के बाद, किसी भी कोरिलेटिव कंजक्शन के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आई हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब कंजक्शन प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन आर्टिकल, अगर इनमें से आप आर्टिकल को मोस्टली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में गिन भी सकते हैं, और जो है नीदर क्या है, नीदर के तुरंत बाद केम आया है, यहाँ पे नॉर के बाद इनवाइटेड आया, सही है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। अगर इसके बाद हमें यहाँ लगा दें नीदर को इधर कर दें तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इधर नीदर नीदर नॉर आइदर और नाइदर नॉर इनके पश्चात जिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होता है तो उसके दूसरे वर्ड यानी जैसे इधर और है तो इधर के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो और के बाद भी होगा, और नीदर के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नॉर के बाद होगा। ये आपका तीसरा रूल था। चौथा रूल क्या है, देखिए जब किसी वाक्य में नो नॉट और नेवर तीनों साथ आ जाएं, जब किसी वाक्य में नो नॉट नेवर तीनों साथ आ जाएं तो आप देखिए वहाँ पे नॉर का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए किसी भी एग्जांपल में अगर ये आ जाए नो नॉट और नेवर तीनों आ जाएं तो वहाँ पे उसके कोरिलेटिव कंजक्शन के रूप में नॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि किसका, और का इस्तेमाल करेंगे। ये था आपका चौथा रूल। और आपका पांचवा है अंटिल और अनलेस, ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, अंटिल और अनलेस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जा रहा है, ये कंजक्शन की पर्पस से इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अंटिल व्हेन और व्हाइल था, और ये कोरिलेटिव कंजक्शन है जिसको आपको याद करना है, रट लेना है। इसके बाद क्या है, अंटिल और अनलेस, अंटिल और अनलेस एक क्या है, समय की कंडीशन को बता रहा है। ये अनलेस क्या होता है, मोस्टली कंडीशनल सेंटेंस में इस्तेमाल इनका होता है अनलेस का, यानी ये शर्त वाले भाव शर्तवाचक वाक्यों में मोस्टली यूज़ होते हैं। अंटिल क्या है, आपका समय बताने के लिए काम करता है, और ये नेगेटिव होता है, अनलेस क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, और ये कंडीशनल सेंटेंस शर्त बताने के लिए मोस्टली यूज़ होता है, ज़्यादातर शर्त बताने के लिए, और अंटिल का समय बताने के लिए, और ये क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए यहाँ पर लिखा हूँ अंटिल का, जैसे आप देख लीजिए एक तो, और अंटिल का इस्तेमाल कभी भी वाक्य के शुरुआत में नहीं हो सकता, वाक्य कभी भी अंटिल का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में नहीं हो सकता। कैसे, वेट हियर इंतज़ार करो अंटिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, मतलब इंतज़ार तब तक करिए जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। अगर इसको मैं कह दूँ अंटिल आई रिटर्न वेट हियर तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, यानी अंटिल कभी भी वाक्य के शुरुआत में नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगा, अंटिल हमेशा बीच में आ सकता है, हमेशा बीच में ही आएगा, कभी भी वाक्य शुरू में नहीं आएगा, लेकिन अनलेस की कंडीशन में क्या है, ये वाक्य के शुरू में आ सकता है, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस में आ सकता है। अनलेस यू डू नॉट दिस वर्क या यू शुड नॉट दिस वर्क या जब तक आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं, ठीक, तो जब आप जब उस कार्य को आप कर लेंगे तभी आप जाएंगे, जब तक आप उस कार्य को कंप्लीट ना कर लें तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते, तब वहाँ पे क्या होगा, आपका अनलेस का इस्तेमाल होगा। अनलेस यू हैव डन दिस वर्क, जब तक आप इस काम को कंप्लीट ना कर लें तब तक आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं, ठीक, यानी स्टे हियर यहाँ पे रुकिए, तब तक आप यहाँ पे जा नहीं सकते हैं, तो अनलेस का इस्तेमाल आप शुरुआत में कर सकते हैं लेकिन अनटिल का नहीं। आइए कुछ और इसके एग्जाम्पल पर हम चलते हैं, जैसे ये आपके आने वाले एग्ज़ामों में
मोस्टली चार या पांच जो मैंने बताया है ये आपको, जैसे वेन था, वाइल था, कोरिलेटिव कंजक्शन थे, और तीसरा रूल आपका क्या था कि किसी भी जब कोरिलेटिव कंजक्शन जो है में इधर नीधर जो कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं उसके बाद कोरिलेटिव कंजक्शन के एक पार्ट जैसे इधर है, इधर के बाद अगर जो पार्ट ऑफ स्पीच आई हो नाउन से लेके कंजक्शन तक इंटरजेक्शन तक, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके दूसरे पार्ट यानी जो उसका कोरिलेटिव है जैसे इधर के साथ और नीधर के साथ नॉर, तो जो इधर के बाद आएगा वही नॉर के और के बाद आएगा और जो नीधर के बाद आएगा वही नॉर के बाद आएगा। ये चीज़ इसमें समझने वाली थी, आपको इसको समझना भी था और इसको अगर इस वीडियो को आप समझ लेंगे तो आपके कुछ टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, जैसे वेन एंड वाइल, कोरिलेटिव कंजक्शंस, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला, नो नॉट नेवर, जहाँ पे आया वहाँ पे नॉर नहीं बल्कि और का इस्तेमाल, अनटिल तब तक, अनलेस जब तक, मतलब अनटिल क्या है नेगेटिव है समय बताने के लिए का इस्तेमाल होता है, अनलेस क्या है कंडीशनल सेंटेंस कंडीशन शर्त बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसको वाक्य शुरू में हम लगा सकते हैं। और इसके कुछ टाइम स्लॉट्स होते हैं कंजक्शन के, जैसे आपको क्या है कंजक्शन ऑफ कंसेशन, इसके कुछ स्पेशल वर्ड टाइप के कंजक्शंस होते हैं जिसमें आपको अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा कि कंजक्शन ऑफ कंसेशन और कंजक्शन ऑफ कंडीशन, कंजक्शन ऑफ कॉज और कंजक्शन ऑफ टाइम, इसके कुछ स्पेशल टॉपिक के कुछ वर्ड हैं जो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे आपके, स्पेशली एग्जाम में ये वर्ड रख भी दिए जाते हैं कि इसके साथ कौन सा कंजक्शन इस्तेमाल होगा। तो आप इसको जब पढ़ लेंगे, इस वीडियो को जब देख लेंगे, तो उसके बाद आपको सीधा एग्जाम में बाय ट्रिक आपको समझ में आ जाएगा कि कंजक्शन कहाँ हमको लगाना है। तो ये था कंजक्शन। कंजक्शन उसे कहते हैं जिसको दो, जो दो अक्षरों, दो शब्दों या फिर दो वाक्यों, दो वाक्यांशों या फिर दो उपवाक्यों को जोड़े उन्हें कहते हैं हम कंजक्शन। ऐसे शब्द जो जोड़े हैं, मिलाएं, टू कम ज्वाइन करें या कंबाइन करें, उन्हें हम क्या कहते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी टिपिकल भी होता है, लेकिन अगर प्रोसेस वाइज आप पढ़ेंगे, एक हिसाब से अगर आप प्रोसेस वाइज पढ़ लेते हैं और अगर आप थोड़ा सा इसके टॉपिक पे, इसके पॉइंट्स पे ध्यान दे लें तो बहुत आसानी से आप इसमें क्या है, आपको वेन ये कंजंक्शन जो होते हैं इसलिए ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है। इसके जैसे कोरिलेटिव कंजक्शन है, आपको अगर लेस्ट का मालूम नहीं है कि इसके साथ शुड लगेगा तो आप गलत लगा के चले आएंगे, एज मच के साथ एज लगता है। तो कुछ कोरिलेटिव कंजक्शन है जिसको मैंने, जो इंपॉर्टेंट मेन एग्जाम में आते हैं वो तो मैंने सामने लिखा हुआ है, कुछ बच्चे हैं उसको भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज़ जैसे ये कंजक्शन आप कंसेशन, ये बिल्कुल बेसिक ट्रिक पे है, ये डायरेक्टली इसमें कुछ वर्ड मैं आपको बता दूंगा जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पर्पज से, तो टेट और स्टेट के लिए या फिर वनडे एग्जाम के लिए आपको ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद, काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये बेसिक कंजक्शन की वीडियो थी, इसके बाद में आपको प्रैक्टिस और इसके कंजक्शन, ये कंजक्शन ऑफ कंसेशन, कंजक्शन ऑफ कंडीशन, कंजक्शंस ऑफ कॉज एंड कंजक्शंस ऑफ टाइम, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा और इसमें बताया जाएगा आपको उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पे जिस पे आपको ये बताया जाएगा कि कंजक्शन का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस पे जो है हम अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।